डिब्रूगढ़ टाउन प्रोटेक्शन डीटीपी डाइक। 1950 के भूकंप के बाद ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा डिब्रूगढ़ शहर के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया गया था। भयंकर बाढ़ से जान माल की भारी हानि हुई। 1954 से 1955 तक असम के डिब्रूगढ़ शहर की सुरक्षा के लिए पहली बार 50 के दशक की शुरुआत में डीटीपी डाइक का निर्माण किया गया था। तब से कोई बड़ा रखरखाव नहीं किया गया है और यह बहुत जीर्ण अवस्था में है। एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्य 2013-2014 में शुरू हुआ और 2017 की शुरुआत में पूरा हुआ। ट्रेंच ए के तहत FREMAA द्वारा 8.5 किलोमीटर डीटीपी बांध को खड़ा और मजबूत किया गया। हालांकि अब ये बहुत से लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए लोग दोपहर में पहुंचते हैं। युवा यहां ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा लेने आते हैं और प्यार करने की जगह भी ढूंढते हैं। अगर आप कभी डिब्रूगढ़ आए हैं या डिब्रूगढ़ में ठहरे हैं तो एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। और अगर आप इस जगह पर पहले जा चुके हैं तो कमेंट करना ना भूले कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।